बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां जिले में महापौर पार्षद चुनाव के लिए आमजन में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। बुजुर्गों को परिजन मतदान केंद्र लेकर पहुंचे हैं। बुरहानपुर में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, इसीलिए मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ अधिक देखी गई है। कुछ बुजुर्ग महिलाओं को परिजन व्हील चेयर पर बैठा कर लाए हैं। युवा मतदाताओं जनप्रतिनिधियों ने मोहल्ले में जाकर वोट डालने की अपील की है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर किसी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सुबह से ही अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई हैं। खासकर युवाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं ने बताया कि उन्हें पहली बार मतदान करने पर बहुत अच्छा लग रहा है। सिंधी बस्ती में पुरुषार्थी स्कूल परिसर को मतदान केंद्र बनाया गया था, यहाँ पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। बैरी मैदान स्थित शासकीय उर्दू उच्चतर माध्यमिक शाला का मतदान क्रमांक 61, 62, 63, 64 पांच बूथ बनाए गए थे, जिसमें से एक मशीन खराब हो गई जिसको कुछ ही देर में सुधार दिया गया था। बूथ क्रमांक 63 की मशीन खराब थी, वहां पार्षद प्रत्याशी के सामने लगी बटन दबाने पर आवाज नहीं आ रही थी, जबकि महापौर के बटन दबाने पर आवाज आ रही थी, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। बाद में स्थिति स्पष्ट हो गई थी। मतदान केंद्र 43 में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी सहनाज अंसारी ने पति इस्माइल अंसारी के साथ पहुंचकर मतदान किया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान करें। संजय नगर मतदान केंद्र 158 पर सांसद ज्ञानेश्वरा पाटिल ने परिवार के साथ पहुंचकर वोट किया है। सांसद ने मीडिया से कहा कि जनता अपना मन बदल चुकी है, अब जनता ने विकास को चुना है। शाहपुर, बुरहानपुर महापौर और पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आगे आएंगे। शाहपुर में भी बुरहानपुर की तरह उत्साह भरा मतदान रहा है। यहाँ भी सुबह से ही मतदाताओं की कतार लगना शुरू हो गई है। मतदान का अंतिम प्रतिशत बुरहानपुर में 68.98% रहा, वहीं शाहपुर नगर परिषद में 81.32% रहा। विराट 24 के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट।